राजस्थान के दुदू मोजमाबाद में पालू कला में एक फैक्ट्री से लाखों की चोरी। दुदू जिले के मोजमाबाद थाना क्षेत्र के पालू कला गाँव में शनिवार रात को जयपुर अजमेर राजमार्ग पालू कला कट के पास बिल्डिंग मटेरियल बनाने का कार्य करने वाली रोड बिल्डिंग इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड कंपनी से चोर लाखों रुपए का सामान चुरा ले गए। मोजमाबाद पुलिस थाने में श्याम सुंदर जानगिर पुत्र विष्णु कुमार जानगिर ने मामला दर्ज कर बताया कि शनिवार रात करीब 12:30 पर एक मिनी ट्रक में 10 से 15 लोग सवार होकर आए बदमाशों की आवाज़ से हम जाग गए तथा हम तीनों ने उनका मुकाबला करने का प्रयास किया। बदमाशों ने बिल्डिंग मटेरियल तथा फैक्ट्री में मौजूद हम तीन लोगों के साथ मारपीट की, जिनमें दिनेश कुमार एवं नितिन कुमार को कमरे में बंद कर दिया। मेरे से चाबी लेकर स्टोर रूम का दरवाजा खुलवाया तथा स्टोर में से 5 से 6 मोटर एवं 5 से 6 कॉपर वायर केबल एवं अन्य सामान मिनी ट्रक में डालकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने हम तीनों के साथ मारपीट की तथा मोबाइल छीन ले गए, परंतु जाते समय मोबाइल एवं चाबियां छोड़कर भाग गए। इस दौरान कंपनी मैनेजर दिनेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दिनेश सिंह के बाएं हाथ में चोट आई है तथा नितिन के सर में चोट आई तथा श्याम सुंदर जानगिर के दाहिने पैर में मारपीट के दौरान चोटें आई और गार्ड नितिन जानगिर के आई सिर में चोट, जिन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात जयपुर एसएमएस अस्पताल में किया रेफर। सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी। घटना की जानकारी मिलने के पश्चात मोजमाबाद पुलिस थाने से थाना अधिकारी कमलेश कुमार सैनी में जाते घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही दुदू एडिशनल एसपी दशरथ सिंह ने घटनास्थल का लिया जायजा। मोजमाबाद थाना अधिकारी कमलेश कुमार सैनी ने बताया कि घटना की तकनीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मुखबिर की सूचना पर 4 टीमों का गठन कर अज्ञात मुलजिमों की तलाश के लिए टीम भेज दी गई है। शीघ्र मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट।